फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग टाइम और टेंस पढ़ने वाले। टाइम एंड टेंस करके एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो इस चैप्टर को हम बड़े ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो आशा करता हूँ आपने जो भी पहले की वीडियो अपलोड की गई है मॉडल्स की, वो सारी वीडियो आपने जरूर देखा होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि टाइम और टेंस में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, और ये आखिर जो टेंस नाम का जो चैप्टर है ये इतना परेशान क्यों करता है, और इसमें कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसको सीख लिया जाए तो टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टेंस पढ़ने के लिए वो कौन कौन सी चीजें जरूरी होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखा जाएगा। हालांकि जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि डेमो क्लास है टेंस का, तो निश्चित तौर पर ये डेमो ही क्लास है। इस चीज के अंदर हमने तो सारी चीजें बता रखा है जो आपके लिए बेहद जरूरी है जानना टेंस पढ़ने से पहले। तो बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो 15 मिनट में आपको पूरा टेंस सिखाता है, तो यहाँ पे मैं ऐसा मार्क नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये चीजें 15 मिनट क्या वो 15 दिन या फिर एक महीना दो महीने में भी आप इस चीज को बिल्कुल 100% नहीं सीख सकते। ये आप अपने प्रैक्टिस के अनुसार ही इसको डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं टाइम और टेंस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि टेंस के साथ हमने टाइम ऐड कर दिया, टाइम और टेंस करके हमने चैप्टर बनाया टाइम एंड टेंस। तो इस चैप्टर को हम सिर्फ टेंस ना बोले क्योंकि तो टाइम एंड टेंस बोले। हालांकि टाइम और टेंस एक साथ लिखने का मतलब कि इन दोनों में रिलेशन ही नहीं हो सकता, इन दोनों में डिफरेंस भी होगा। तो टाइम और टेंस ये दोनों में संबंध होते हुए भी काफी अंतर है। तो चलिए समझते हैं कि टाइम और टेंस के साथ क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस भी है, इनमें क्या क्या अलग है, क्या क्या चीजें संबंध रखता है दूसरे से। तो देखिए, ये जो टेंस शब्द है, तो टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है जबकि टाइम कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब क्या विश्वव्यापी धारणा है। तो टाइम से हम किसी महीने दिन या फिर घंटा या फिर वर्ष इन्हीं सब चीजों को दिखा पाएंगे, तो इसको एक्चुअली टाइम बोला जाता है। जैसे हमने कहा 2 बजे, या फिर मैंने बोला 3 तारीख 5 तारीख, ये तो फिर डेट हो गया, या फिर जनवरी फरवरी बोलू, या फिर मैं 2021 2022, तो इन सब चीजों से कोई टाइम नजर आता है। जबकि टेंस चीज है वो ग्रामेटिकल टर्म है और इसका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं होता। यानी टेंस जो होता है ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, ये उसके लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 2 चीजें हमने बताया कि ग्रामर के अंदर टेंस सब चलता है जबकि टाइम नहीं। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, टेंस कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह विश्वव्यापी धारणा नहीं है। जबकि टेंस ग्रामेटिकल टर्म है, टेंस ग्रामर के अंदर चीजें मायने रखता है जबकि टाइम ग्रामर के अंदर मायने नहीं रखता। अब आइए एक और चीज समझते हैं कि जो टेंस शब्द है ये टेंस के साथ टाइम क्यों ऐड किया गया। तो निश्चित तौर पे मैं यहां बता देता हूं कि आप इस वीडियो में वो बहुत सी सारी चीजें जानेंगे जो आपको और अलग जगह पे नहीं मिलेगा। तो देखिए, जो टेंस के साथ मैं टाइम लिखा हूं ये इसका क्या तात्पर्य है। तो टेंस जो शब्द है, ये टेंस शब्द लैटिन वर्ड के, जो लैटिन भाषा है तो लैटिन वर्ड के टेम्पस शब्द से आया। किस शब्द से आया है? टेम्पस। टेम्पस, अब टेम्पस मींस क्या होता समझिएगा। अब हमने कहा कि टेम्पस मींस होता है, टेम्पस मींस टाइम। तो चीजें यहां से रिलेट कर रहा है। जो टेंस शब्द है वो लैटिन वर्ड के टेम्पस से आया, जो टेम्पस मींस क्या होता है? टाइम होता है। तो अब यहां से टाइम और टेंस में रिलेशन है, जबकि अभी हमने डिफरेंस बता दिया कि टाइम पूरी दुनिया में एक जैसे देखा जा सकता है। अगर मैं जनवरी बोल रहा हूं तो ये पूरी दुनिया में समझ में आएगा कि हाँ, ये कोई मंथ का नाम है और ये पार्टिकुलर इस महीने की बात किया जा रहा है, ठीक है। जबकि टेंस को यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से टेंस बनता है। तो टेंस पढ़ने का मतलब आप एक प्रकार से वर्ब पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया वर्ब, आपको वर्ब समझना होगा। तो जिस दिन आप वर्ब को अच्छे ढंग से समझ लिए उस दिन टेंस भी आपका कमांड हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि टेंस का रिलेशन वर्ब के साथ क्या है, ठीक है।
पहले टाइम को समझने की कोशिश करते हैं। यूं तो हम टाइम को डिवाइड नहीं कर सकते, टाइम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक हम मानक मान रखते हैं कि टाइम को फिर भी एक छोटा सा प्रयास करते हैं टाइम लाइन बनाने का। तो चलिए मैं सबसे पहले एक टाइम लाइन बनाता हूँ। ये टाइम लाइन का मतलब ये जो लाइन लिखा हो इसमें मैं टाइम को शो करना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज कि टाइम को हम डिवाइड करने की एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक मार्क कर दे रहा हूँ, इसको मैं प्रेजेंट टाइम बोल दे रहा हूँ। कौन सा टाइम? प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट टाइम बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए टाइम को डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी एक प्रयास है कि टाइम को डिवाइड करने की कोशिश किया जा रहा है, तो इस पॉइंट को मैं प्रेजेंट बोल रहा हूँ। तो ये पॉइंट जो है ना, ये प्रेजेंट, तो पहली चीज कि ये एक स्थान पे रुक ही नहीं सकता, प्रेजेंट ठहर नहीं सकता, ये हर सेकेंड आगे की तरफ मूव कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये पल भर भी नहीं रुक सकता, ये हर समय हर पल आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। देखिए अगर मैं इसको प्रेजेंट मान रहा हूं तो एक समय ऐसा होगा कि ये प्रेजेंट पास्ट बन जाएगा। तो ये जिस तरह से इधर बीतता जा रहा है ना, जैसे ये बीतता जा रहा है, ये सब पास्ट बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है? पास्ट। टाइम को अक्सर कोई भी पूछता है, टेंस पूछता है, तो नॉर्मली लोग यही बताते हैं कि टेंस तीन ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं सही भी है। हम टाइम को डिवाइड कर रहे हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, दरअसल इसी को टेंस भी बोल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टेंस और टाइम में काफी अंतर होता है। टाइम का मतलब सिर्फ समय का संबंध है, जबकि टेंस से हम वर्ब को दिखा पाते हैं। देखिए जो पास्ट होता है वो प्रेजेंट का छोड़ा हुआ समय ही पास्ट होता है। तो अक्सर पूछता है कोई कि पास्ट किसे कहते हैं, तो बीते हुए समय को ही पास्ट बोल देते, तो बीते हुए समय जो होता है उसी को पास्ट बोल। तो समय बीत रहा है, समय आ रहा है, ये कैसी चीजें हो सकता है कि हम ये बोले कि ये समय आ रहा है? ये संभव नहीं है, समय आता बीतता नहीं है। वैसे तो हम लोग घड़ी के माध्यम से समय की कल्पना कर पाते हैं, हम कैलेंडर के माध्यम से ये बता पाते हैं जनवरी का महीना है या फिर आज कौन सा तारीख है, वरना ऐसे टाइम कोई मायने नहीं रखता कि टाइम कौन सा टाइम है, टाइम अपने आप में टाइम होता है। देखिए तो हमने कहा यहाँ पे पास्ट, तो ये जो पास्ट है ये पास्ट आया कहाँ से? ये आपका अभी अभी जो ये चीजें करेंट में चल रहा है, अनगोइंग प्रोसेस है। ये एक समय ऐसा होगा कि भी तुरंत जस्ट पास्ट बनता जा रहा है। तो पास्ट बीता हुआ समय पास्ट नहीं बल्कि बीते हुए प्रेजेंट को पास्ट बोलते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे रखा हूं, अभी कुछ क्षण बाद ये यहाँ आ जाएगा, अभी कुछ क्षण बाद यहाँ आ जाएगा, अभी कुछ क्षण बाद यहाँ आ जाएगा। तो ये हर टाइम आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो जो समय अभी आया नहीं, मान लीजिए कि अभी प्रेजेंट यहाँ पे आ गया, ये सारी चीजें पास्ट बन गया, तो मान लीजिए जो समय अभी आया नहीं उसको हम फ्यूचर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। तो ऐसे ही हम तीन टाइम बनाते हैं, जो चीजें अभी करेंट में चल रहा है इसको प्रेजेंट बोलते हैं। हालांकि प्रेजेंट की अपनी एक क्राइटेरिया होगा, जो अभी चीजें आप देख पा रहे हैं समक्ष, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, इसके कुछ बीते हुए समय को भी हम प्रेजेंट में रख सकते हैं। जैसे मैं अगर मैं बोलूं कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो 10 मिनट जो बचा, ये जो 10 मिनट मैं बोल रहा हूं, ये 10 मिनट को मैं प्रेजेंट में अभी ऐड कर सकता हूं, लेकिन हर एक सेकेंड पास्ट बनता जा रहा है, हर एक सेकेंड पास्ट होता जा रहा है। यानी कि प्रेजेंट कभी नहीं ठहरता, यह बस ऐसे चलता जा रहा, चलता जा रहा। तो फ्यूचर जो समय अभी आने वाला है, वैसा कोई काम जो अभी केवल इमेजिन कर पा रहे हैं, अभी वो हो नहीं पा रहा, तो वो फ्यूचर हो गया। और जब भी उस काम को हम करने लगे तो वो प्रेजेंट बन गया, और प्रेजेंट तो ठहरता नहीं, वो तो हमेशा आगे बढ़ रहा है। तो जो चीज हम लोग कर रहे हैं अभी ये पास्ट बन गया, यानी बीते हुए प्रेजेंट को ही पास्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक समय हो गया पास्ट, एक समय हो गया प्रेजेंट और एक समय हो गया फ्यूचर। तो ये तो बात आप पहले से ही बिल्कुल अच्छे से जानते थे कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है। तो प्रेजेंट पास्ट, ये जो दो टाइम हमने रखा कि एक प्रेजेंट टाइम और एक पास्ट टाइम, तो ये चीजें रियल टाइम होता है। यानी हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं ये आप सब भी देख पा रहे हैं और मैं भी समझ पा रहा हूं कि हाँ ये चीजें चल रहा है। तो प्रेजेंट और पास्ट, ये जो दो टाइम है, ये दोनों के दोनों टाइम क्या होते हैं? रियल होते हैं। समझिएगा, हमने कहा प्रेजेंट और पास्ट,
ये दोनों टाइम जो होता है ना ये रियल होता है, रियल मतलब वास्तविक, क्योंकि आंखों के समक्ष हम देख सकते हैं। अच्छा पास्ट तो जो चीजें बीता है वो पास्ट तो कहीं ना कहीं असलियत था ना, एक टाइम था कि वो प्रेजेंट में चल रहा था तो वो तो रियल हुआ, और अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में ये भी रियल है। लेकिन मैं बोलूं कि फ्यूचर क्या रियल है, फ्यूचर की कोई गारंटी लेता है कि क्या ये चीजें एकदम 100% होगा? और यदि वो 100% होगा तो निश्चित तौर पे मैं जब टेंस बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि वो फ्यूचर में होगा, लेकिन फिर भी उसका जो टेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं हम लोग, उसका इंग्लिश में अब जब ट्रांसलेट करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम वहां पे लागू होता है, न कि फ्यूचर का। यानी फ्यूचर में जो भी चीजें होने वाला है वो अनरियल है, वो एक हम इमेजिन के आधार पे बोल सकते हैं कि मैं कल ये करूंगा, मैं कल वहां जाऊंगा, या फिर मैं अभी ये करूंगा। तो जो चीजें अभी चल नहीं रहा वो सब का सब अनरियल होता, वो हमारा सही नहीं होता, वो वास्तविक नहीं होता। तो हमने कहा कि वो अनरियल होता है, वो अवास्तविक होता है। यानी फ्यूचर में जो काम होगा वो एक हिसाब से अनरियल है, क्योंकि वो अभी आंखों के समक्ष ना तो चल रहा है और ना ही वो बीता है, तो भी तो वो आने वाला है, तो वो अनरियल हो गया। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट ये अपने आप में क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो हमने कहा कि हमने एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश किया, तो उस टाइमलाइन के अंदर हमने तीन टाइम बनाया, एक प्रेजेंट जो करेंट टाइम में चल रहा होता है, और प्रेजेंट कभी रुकता नहीं, वो हर पल आगे की तरफ बढ़ रहा है फ्यूचर को पाने के लिए, और फ्यूचर वो फ्यूचर अलग ही चीज है, वो जैसे ही आप प्रेजेंट में पहुंचेंगे उससे अगला चीज फ्यूचर हो जाएगा, फिर उसको पाएंगे फिर उससे अगला चीज फ्यूचर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये टाइम अपने आप में डिस्टेंस बना के रखते हैं, लेकिन ये अपने आप में कनेक्शन भी इनके साथ होता है। यानी कि प्रेजेंट जो आंखों के समक्ष चल रहा है, जो कॉन्टिन्यूस होता है दरअसल, बस उसी को हम प्रेजेंट बोलते हैं, ओके? और जो चीज बीत चुका है, यानी कि जो काम हम कर रहे थे वो काम अब बीत चुका है, तो अब वो पास्ट हो गया, न कि बीता हुआ समय पास्ट है, यानी बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट है, ओके? तो टाइम तीन हो गया, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं ये टेंस भी किताबों में लिखा होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। चलिए हम मान लेते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीन टेंस होते हैं, लेकिन टेंस का अपने आप में रिलेशन होता है वर्ब से। किस चीज से होता है? वर्ब से। टेंस पढ़ने का मतलब आप टोटली वर्ब पढ़ रहे हैं। अब देखिए टेंस की इंपोर्टेंस क्या है और टेंस कहां कहां मदद करेगा। यदि आपको टेंस नहीं आता तो समझिए मैं यहां पे कुछ टर्म लिख देता हूं, टेंस, वॉइस, नरेशन, और एक और रहा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, ये इंग्लिश ग्रामर में चार बड़े ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये चार बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, टेंस, वॉइस, नरेशन और क्वेश्चन टैग, जिसमें सबसे पहले कदम पे आपको टेंस ही पढ़ना होगा। ये नहीं कि आपको टेंस की जानकारी नहीं, आप वॉइस पढ़ना स्टार्ट कर दिए, 1% आपको वॉइस समझ में नहीं आएगा। आप नरेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको टेंस नहीं आता, निश्चित तौर पे नरेशन में आपको 1% चीज समझ में नहीं आएगा। यानी कुल मिला के आपको सबसे पहले टेंस पढ़ना होगा। टेंस पढ़ने का मतलब अपने आप में वर्ब को पढ़ना। तो कहीं ना कहीं टेंस पढ़ने से वर्ब, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ये सभी चीजें अपने आप में रिलेट कर रहा है, ठीक है? तो पहले हमें वर्ब के बारे में जानकारी लेना ही होगा। तो आइए हम समझते हैं ये वर्ब क्या है। तो वर्ब से पहले हम टेंस की जो क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि टेंस जो आप पढ़ते आए हैं कि 12 टेंस क्या होता है, कहां से आया, उन सारी चीजों के बारे में हम जरा सा जान लेते हैं, फिर हम वर्ब को पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ब को पढ़ने का मतलब कि आप टेंस पढ़ रहे हैं। चलिए आइए समझते हैं कि वो टेंस के चार उपभेद क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले अभी हमने बात किया था कि टाइम, टाइम को हमने तीन भागों में बांटने का कोशिश किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो उसमें टेंस, आप उसको टेंस ही बोलिए कोई दिक्कत नहीं, टेंस ही बोल सकते हैं। तो टेंस जो होता है ये हम लोग पढ़ते आए कि टेंस कितना होता है, ये तीन होता है। सबसे पहला क्या रहा? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और तीसरा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हुआ? वर्तमान,
वर्तमान काल, समझिएगा ये वर्तमान काल हो गया, जो चीजें चल रहा होता है उसको वर्तमान काल कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपके आंखों के समक्ष चले, हो सकता है वो उन दिनों चल रहा हो जो कंटिन्यूअस ही हो। कंटिन्यूअस का मतलब जरूरी नहीं कि आप उसको आंखों से देख सकते हैं, हो सकता है वो काम अभी आपके सामने नहीं चल रहा है लेकिन उन दिनों तत्काल दिनों में चल रहा हो, कंटिन्यूअसली रूप से प्रतिदिन चल रहा हो, ठीक है। तो ये वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस हुआ। अच्छा, अगर ये वर्तमान काल बीत जाता है, अगर ये जो काम हम कर रहे हैं अगर वो चीज बीत गया, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, और यदि मैं बोला कि मैं पढ़ा रहा था, यानी कहीं ना कहीं अब वो अपने आप में रिलेशन नहीं रख रहा, मैं पढ़ा रहा था उस चीज से अभी कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है मैं अब कहीं जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, या फिर मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा था, तो पढ़ाने का काम वो बीत चुका है, यानी कि जो समय बीत चुका है बस उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पास्ट बोल रहे हैं। तो हमने कहा पास्ट टेंस का मतलब हुआ भूत का, ओके। और फ्यूचर टेंस मतलब क्या हो गया, भविष्यत का। तो इस प्रकार से तीन काल हो गए। टेंस जो है वो तीन प्रकार से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो कहीं ना कहीं टाइम के ही आधार पे डिवाइड किया है। टाइम को तीन बनाया था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसी को मैं टेंस नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब इस प्रेजेंट टेंस के चार उपभेद होगा। चार क्या होगा, उपभेद होगा, कौन कौन सा? तो एक होगा हमारा इंडेफिनिट, दूसरा क्या होगा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा परफेक्ट, और चौथा हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपने देखा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एक टेंस का जो कि प्रेजेंट टेंस है, इसके चार उपभेद हो गए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी अगर हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ना चाहे तो प्रेजेंट टेंस में कार्य के अनुसार कार्य किस प्रकार से हो रहा है, वो कार्य के क्या कार्य पूरा हो गया है पूर्ण रूप से, या फिर कार्य आंखों के समक्ष चल रहा है, या फिर कार्य को चलते हुए कुछ समय हो गया, कुछ समय बीत गया है और अभी भी चल रहा है, या फिर कार्य आंखों के समक्ष नहीं चल रहा लेकिन उन दिनों चल रहा हो, इंडेफिनिट, उसका टाइम डेफिनिट ना हो। ये हर चीज को यहाँ पे बताया जाएगा आपको, मैं पूरा चीज क्लियर बताऊंगा कि आखिर इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं। इस इंडेफिनिट टेंस को जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। कंटीन्यूअस टेंस, इसको कंटीन्यूअस क्यों कहा जाता, परफेक्ट को परफेक्ट क्यों कहा जाता, परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो कौन सी चीज कैसे आया वो हर चीज बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा, बस आप कॉपी कलम निकाल के बैठे रहिए और जो भी चीजें यहाँ बताया जा रहा है उन सब चीज को एकदम लाइन बाय लाइन नोट करते जाइए, आपका नोट तैयार होगा। पास्ट टेंस, तो जिस प्रकार से इस प्रेजेंट टेंस के चार भेद हुए उसी प्रकार से इस पास्ट टेंस के भी चार उपभेद होगा। तो हमने कहा ये चार होगा, सो यहाँ पे जगह नहीं है बताने के लिए, चलिए इसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा बढ़ा के, आइए समझ लेते हैं। तो भूतकाल को हमने लिख दिया पास्ट टेंस, तो इस पास्ट टेंस के भी चार उपभेद हो गया, कौन कौन सा, इंडेफिनिट, आप आगे समझ जाइएगा, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। जैसे कि ऊपर लिखा गया उसे वैसे ये भी हो जाएगा, और इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में भी होगा, फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस के भी चार उपभेद हो जाएगा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो इस प्रकार से कुल मिला के हमारे कितने टेंस तैयार हो गए, 12। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से चार टेंस तैयार हो गए प्रेजेंट के।
ठीक बिल्कुल इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी चारों टेंस तैयार होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पांचवें नंबर का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से कुल मिला के कितने टेंस तैयार हो गए? 12। तो आपने ये सुना होगा किसी के द्वारा, किसी ने कहा होगा, फिर आपको भी मालूम होगा कि टेंस कितने होते हैं, कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। तो 13वां टेंस अलग से नहीं आएगा, 12 ही टेंस होते हैं। ठीक, आप समझिएगा कि जो टेंस हम बोल पा रहे हैं ये टेंस की चीज को देख के बोलते हैं। अगर मैं कोई सेंटेंस लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, यह एक सेंटेंस है। तो यह अगर एक कोई सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में वर्ब तो जरूर आया होगा, समझिएगा आप, वर्ब तो जरूर आया होगा। और यदि किसी सेंटेंस में वर्ब आ गया तो इसका मतलब उसके टेंस का पता लगाया जा सकता, निश्चित तौर पे उसके टेंस का पता लगाया जा सकता है। तो देखिए, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो इसमें वर्ब क्या है? इज। इज यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। हालांकि इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता है तो ही उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, समझिएगा। तो ही इज अ बॉय, यहाँ पे इज, तो इज अपने किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, बस क्या आपको ये पता है इज किस फॉर्म में है? तो इज शब्द किस वर्ब का रूप है? तो ये बी का रूप है, बी एक वर्ब है, बी। ये बी जो है ना, ये बहुत ही बदमाश वर्ब है, ये बदतमीज है, समझिएगा। इसके अलग अलग रूप होते हैं जिनमें कोई रिलेशन ही नहीं होता। जैसे कि हमने अगर प्ले लिखा है तो प्ले, आप सबको मालूम होगा कि प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओके। अगर मैं इसका अगर पांचवी फॉर्म की बात करूं तो उसमें एस या एस जोड़ देते, इसमें एस जोड़ देंगे, प्लेज हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म की बात करूं तो इसमें ईडी जोड़ देंगे, प्लेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बात किया जाए तो इनमें देखिए कुछ चीज कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। पी एल ए वाई प्ले तो सब में दिखाई दे रहा, लेकिन बी एक ऐसी वर्ब है जिसका कई सारा रूप होता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्म चेंज हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पांचवी फॉर्म ही रहा हमारा, सेकेंड फॉर्म या ये थर्ड फॉर्म भी होगा, उस प्रकार से बी के भी अलग अलग फॉर्म होता है, मैं बताऊंगा आपको। तो इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है, वो सारी चीजें अलग अलग ही होता। यहाँ पे इज जो है ना, ये बी की यानी ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है। अब निश्चित तौर पे वर्ब की पांचवी फॉर्म केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग किया जाता। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है ही इज अ बॉय, हम बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर मैं सेंटेंस लिख दूं कि यू वर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर थे, यू वर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर थे, यह एक सेंटेंस है। यदि सेंटेंस है तो वर्ब जरूर आया होगा, यदि हमने वर्ब लिखा है वर, तो इसका हम इस वर्ब के हम फॉर्म को देख ले अगर, तो टेंस पता कर सकते। तो टेंस पता करने के लिए आपको सिर्फ वर्ब देखना है। यदि आप वर्ब को समझ पा रहे हैं तो आप टेंस बिल्कुल समझ सकते हैं, आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो हमने कहा यहाँ पे जो वर्ब है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म केवल सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है, ये सेंटेंस, ये जो टेंस इसमें प्रयोग किया गया है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। तो बस 2 सेकेंड के अंदर आप किसी भी सेंटेंस के टेंस को बता सकते हैं कि उसमें जो टेंस यूज किया गया है वो इन 12 टेंस में से किस टेंस के अंतर्गत उस सेंटेंस को रखा गया है, ठीक है, मात्र 2 सेकेंड के अंदर। लेकिन वो आप 2 सेकेंड किस चीज पे समय देंगे, तो आपको समय देना होगा वर्ब पे। यानी अगर आपका कमांड वर्ब पे है तो टेंस समझने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ओके। तो हमें सबसे पहले वर्ब समझना होगा। तो ये रहा एक डेमो क्लास हमारे इस वीडियो का, जो कि टाइम और टेंस है। मैं एक बार रिविजन कर देता, देखिए टाइम और टेंस में क्या सिमिलरिटी है।
ये दोनों जो दोनों शब्द है इनमें क्या चीजें सिमिलर है, ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है। तो टेंस शब्द ये लैटिन लैंग्वेज का टेम्पस शब्द से बना, टेम्पस, तो टेम्पस मीन्स टाइम, तो उस टाइम से टेंस निकल के आया। कोई भी टेंस की बात करे तो किसी न किसी टाइम में होगा, चाहे टाइम अलग है टेंस अलग है। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जबकि टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है। ओके, हमने कहा कि जो टेंस है यह ग्रामेटिकल टर्म है जबकि टाइम कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। अब टेंस तो प्रेजेंट टेंस हो सकता है, उससे टाइम पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों नजर आ सकता है। जैसे अगर मैं बोलू कि मैं क्या करता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं तो मैं प्रेजेंट में भी जाता हूं और जाता हूं, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं तो मैं पास्ट में भी जाता था और आशा है कि मैं फ्यूचर में भी जाऊंगा। तो मैं स्कूल जाता हूँ, वह खाना पकाती है, तो खाना पकाती है तो पास्ट में पकाती थी, प्रेजेंट में भी पकाती है और आशा है कि वो फ्यूचर भी पकाएगी। यानी किसी प्रेजेंट टेंस से, टेंस से मैं बोलूं तो उससे फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों टाइम नजर आ सकता है। समझ में आया आपको? जैसे हमने कहा कि प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे, हालांकि प्रधानमंत्री तो भाई दिल्ली में ही रहे, चलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, तो प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे यहाँ तो फ्यूचर टाइम नजर आ रहा है, लेकिन आप इसमें जो टेंस यूज करेंगे वो प्रेजेंट यूज करेंगे। तो टाइम कहीं प्रेजेंट होगा तो उससे फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों टाइम नजर आएगा। समझ में आया आपको? तो टेंस टाइम दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब टेंस को हमने तीन भागों में बांटा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इस तीनों टेंस के अलग अलग उपभेद हो गए, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, और यही चारों चीजें ये पास्ट फ्यूचर के साथ रिपीट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये टेंस क्या होता है, ये इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, हर चीज हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।